चाहेंगे एक युवती को यहाँ ऐसी ऐसी लाया गया है, क्या उसकी कंडीशन है और किस क्या आप मान रहे हैं उस चीज़ को? 8:30 बजे के करीब इनको ग्रामीण लोग लेके आए, बड़े आनन फानन में लेके आए, आके लिटा दिया। और जब मैंने इसका निरीक्षण परीक्षण किया तो पता चला ना तो इसमें पल्स थी, बीपी रिकॉर्डेड नहीं था, बीपी रिकॉर्ड नहीं किया सकता था, और पिपल फिक्स एंड डायलेटेड थे। तो मैंने और स्टेथो से ऑस्कल्टेट किया तो हार्ट रेट भी और ये कुछ भी नहीं आ रहा था, तो मैंने तो डिक्लेयर कर दिया ब्रॉड डेड तो प्रथम दृष्टया थी। क्या क्या मौत कैसे हुई है कुछ? मौत का तो अभी कुछ कुछ उसका बता नहीं सकते क्योंकि पोस्टमार्टम से ही निकलेगा, मगर ये कि जब यहाँ ही डेड हो गई थी। खेत के अंदर क्या मामला है पूरा, क्या आप मामले की कार्रवाई? शव नहीं मिला है, वहाँ पे शाम के लगभग 5:30-6 बजे के आसपास एक लड़की वहाँ थोड़ा सा अचेतन अवस्था में मिली। परिजनों ने उनको पुलिस को सूचना की, पुलिस ने उनको हॉस्पिटल में लेके भर्ती कराया, फिर वहाँ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले आए, यहाँ इलाज के दौरान उसकी डेथ हुई। परिजन तो कुछ क्या आशंका सर आगे? जताई जा रही है? परिजन गांव के ही एक लड़का है नरेश, उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने कुछ ऐसा किया कि मेरी बेटी मर गई। तो उनकी तहरीर मिली है, तहरीर के आधार पे 302 का मुकदमा हम पंजीकृत करके आगे कार्रवाई कर रहे हैं। पोस्टमार्टम करा लेंगे, पोस्टमार्टम में जो भी पेंडिंग आएगी उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। तो परिजन जो है गैंगरेप का आरोप लगा रहे हैं कि लड़की को नहीं, दोपहर उनकी अगवा कर लिया तहरीर गया। ऐसी कोई बात नहीं है, तहरीर उन्होंने दिया है, तहरीर में इस तरह की कोई बात नहीं है। उनका कहना है कि सीधी उन्होंने कुछ खिलाया पिलाया या कुछ कर दिया जिससे उसकी डेथ हो गई, कोई बाकी चीज़ें कोई बात नहीं है। कुछ जिस तरीके से परिजन रेप का आरोप लगा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं, नहीं परिजन तो रेप का आरोप लगा ही नहीं रहे, उन्होंने तहरीर दिया है, तहरीर में उनके ऐसी कोई बात नहीं है।